हाँ जी दोस्तों, की हाल सब ठीक है। अज तुहाडे नाल सिख कौम बारे विचार करते हैं कि सिख कौम क्यों पिछे रह गई है, क्यों उन्होंने हर वारी अपने हक मंगने पैंदे ने, जलील होना पैंदे है। बस इक्को ही वजह करके कि कौम के लीडर जिहड़े जिहड़े आगू ने वह माड़े निकले ने, चाहे 1947 च ला लो, 84 च ला लो, 92 च ला लो। जदों भी लीडर आगू कौम के नाल खड़न की लोड़ पई है, हमेशा जाके विरोध च खड़े ने, अपने ही अपने मारिया है। नहीं तो सिख कौम कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता। तुसी कदे ज्यूश कम्यूनिटी सुनी होनी है, कौम सुनी होनी है कि किसी टाइम तो हिटलर ने जर्मन दे विच सारे नूं खत्म कर छड्डिया ही, पर उस कौम ने अपने आप नूं एस्टैबलिश किया, एक दूजे का साथ इवें दिता कि अज अमेरिका नूं रन करन दी सारा बिजनेस उन्हां दे कंट्रोल दे विच, अपने कॉलेज, उन्हां दे अपने स्कूल, अपने होस्पिटल। तो की गल, सिख कौम यहोजी नहीं हैगी। सिख कौम बड़ी अमीर कौम है, पंजाबी बड़े अमीर ने, जो चाह ना पंजाब नूं आप रन कर सकते ने, पर लीडर माड़े ने। अज काल तक सारा जथेदार ईमानदार हो जाए ना एक आवाज़ तो उहदी ते सिख कौम एक प्लेटफॉर्म ते खड़ी हो सकती है, सारे गरीब परिवारां नूं एक बराबर कर सकती, इन्ना पैसा है कौम कोल। पर साडे लीडरां नूं अपनी अपनी पैगी बस कि मेरा ना बने, बस मेरे को कुर्सी आ जाए। ईमानदार बंदे नूं कुर्सी ते बहाना नहीं चाहते, इन्हां नूं पता है कि जे ईमानदार बंदा बह गया तो साडी किने सुननी है। कईआं नूं चमचे बन के रहण दा शौक है, बस उन्हां दा कि साडा घर भरना चाहिए है, सानूं किसी दे होर घर दा मतलब नहीं हैगा। आ बादल परिवार देख लो, तुसीं 5 इलैक्शनां जित के अखीर दे विच खत्म हो गए ना, उन्हें बस कल अपने परिवार का सोच के साडा ना हो। जे यह कि कौम का ना सोचा होंगे ना, तो यह जो हालात नहीं होने ही। अज अकाल तख्त साहब का जथेदार कह दे अपने स्कूल बना सकते हैं, सिख कौम बस स्कूल बना सकते, होस्पिटल बना सकते ने, अपनी पुलिस हायर कर सकते ने, पर ईमानदारी कित्थे वे? अज कोई आगू उठता है कौम वास्ते ईमानदारी वास्ते, उन्होंने असी बेईमान जां गद्दार कह के उन्होंने पिछे हटा देने, वह तो यहोजे इल्जाम ला दें, नाल दे ही बेईमानियां कर जाते ने। इस करके सिख कौम जिहड़ी पिछे रह गई है, नहीं तो अज कौम नंबर वन तो होनी ही। पंजाब के लोग ईमानदार ने, एक जल्दी विश्वास करके बह जाते हैं। विश्वास करने का नतीजा की निकलता है कि अपना भेद सारा ही दे देंगे ने, तो बाद दे विच पिछे हो जाते हैं, लोग फायदा उठा जाते हैं दूसरे। कौम में एक हो गए खड़न की लोड़ है जिन्हें का